वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू छोटे बड़े सारा प्यार बड़ों को पहली बार गाइस। मैं ब्रदर के यहाँ से आई, खाना वाना थोड़ा सा खाया और फिर मैं थोड़ी देर सो गई क्योंकि ब्रूनो की वजह से ना मैं रात भर सो नहीं पाई थी। ये भी नहीं सोया था और ये तो ऐसे भंगेड़ी हुआ पड़ा है, जब से आया तब से सोया पड़ा है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और मैंने आपको दिखाया कू 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 करके इतना बेचैन रहा है ना, नई जगह पे आके अनकंफर्टेबल हो रहा था बहुत ज़्यादा और बूजों को देख कर और ये पागल हो रहा था, तो ये बिल्कुल नहीं सोया। तो अभी जब से आया तब से सोया पड़ा है और मैं अब बाज़ार जा रही हूँ, पहले दूध दही अंडे ब्रेड पनीर ये सब स्टॉक खत्म है, मैं घर पे नहीं थी इसलिए कोई लाया नहीं और एक दिन की बात थी, तो चलो अब मैं आ गई तो मैं ले ही आऊँगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद मदर इन लॉ के यहाँ जाऊँगी, 10-15 मिनट वहाँ बैठूंगी, वहाँ से फिर आगे निकल जाऊँगी फ्रूट और वेजिटेबल लेने, फिर वहाँ से जाऊँगी मैं मेरी लिपस्टिक लेने, ख़त्म हो रही है यही वाला शेड और काजल ख़त्म होने वाला है और एक चीज़ क्या थी, नहीं बस ये दो चीज़ें लिपस्टिक और काजल बस दैट्स इट। तो ये दो चार चीज़ें ले लाकर घूम फिर के चिकन लेकर आऊँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो मेरा व्लॉग अब शुरू हो रहा है 7:15 बजे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं आज का व्लॉग जो मैंने कल डाला है उसे मैं दिखाऊँगी आप, क्योंकि 7:15 बजे शाम को तो शुरू हो रहा है, तो अब जब शुरू हो रहा है तो फिर पता नहीं बनेगा क्या। चलो जो बनेगा बना लेंगे, बन जाएगा, बना ही लेते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, अब तो एक्सपीरियंस हो गया है। गाड़ी हमारी चलती है चलती है चलती है, कुछ भी ना करें तो वो भी दिखा देते हैं, ऐसे ही हम। तो चलिए गाइस मैं जाती हूँ और बाज़ार होकर आती हूँ। गाइस मैं गई थी 7:15 बजे और मैं घर लौटी हूँ 9 बजे, कितना मज़ा आ गया और मेरा अपना कोई सामान नहीं आया, कैन यू बिलीव। मैं लाल क्वार्टर के लिए निकली स्कूटी लेकर और इतना जाम, क्योंकि मैं भूल रही थी आज संडे है, तो मैं अपनी शॉप पर तो कहाँ पहुँचना था, घर का ही सामान लाने मुझे 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया। और मैं सामान आपको दिखाती हूँ, स्कूटी बन गई थी पूरी, रिक्शा और टेम्पू, आरएफ को मैंने नीचे बुलाया कि भैया सामान उठाओ ऊपर लेके चलो, और अब मैं फटाफट चिकन बनाने लगी क्योंकि 9 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया। तो सारा सामान मैं दिखाती हूँ और फिर बनाती हूँ टेस्टी यम्मी चिकन। सबसे पहले आप इसको देखो, इसकी तो नींद ही पूरी होने को नहीं आ रही। आप ये देखो जरा, पता नहीं कितनी नींद रही इसकी ख़राब हुई है कि ये सोया ही पड़ा है। अरे भाई उठ जा, अरे भाई मेरे उठ जा, अरे मेरे गोलू उठ जा, थोड़ी देर सोया रहा, चल ये देखिए पता नहीं जो भी ये खा ले। ये है ब्रेड और इसमें है टमाटर और नहीं, हाँ टमाटर और खीरा, ये है सोडा नमकीन और ये मेरे डाइट मिक्सचर पनीर ब्रूनो के लिए और ये मैं लाई हूँ मेरी फुट केयर क्रीम। एक्चुअली पता है क्या, अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई ना, पंगा हुआ था, बताती हूँ क्या, ये आती है 25 ग्राम में, ठीक है मैं ऑर्डर करती हूँ 50 ग्राम, पेमेंट करती हूँ 50 ग्राम की और देकर जाते हैं 25 ग्राम वाली, तो ये बड़ा काम ख़राब था इसलिए मैं यहीं से ले आई, मिल गई मुझे। और ये है दूध दही छाछ लस्सी और बस, और ये है चिकन, इसमें है चावल, ये है खरबूजा और सेब। तो बस ये सामान था जो सारा मैं स्कूटी की डिक्की में भर के लाई और अब मैं जाती हूँ और अब मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने और मैं बनाऊँगी 2 मिनट वाला। और आज मैं चिकन इतू सा थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लूँगी ताकि थोड़ा सा मेरी भी क्रेविंग हो जाए ख़त्म। मैंने आज एक ही रोटी खाई है, सुबह मैंने जवे खाए थे और भाभी से मैं पूछ के आई थी अपनी कि ये जवे कैसे बनते हैं, तो उसने मुझे बताया कैसे बनते हैं, तो वो भी एक डाइट में मैं ऐड कर लूँगी, जवे अ न्यू डाइट न्यूट्रिशियस। चलिए गाइस बनाते हैं चिकन। गाइस चिकन तो मैंने बना लिया और मैं आपको ना एक बढ़िया ट्विस्ट वाली बात बताती हूँ, अगर मान लो किसी को स्पाइसी खाने से प्रॉब्लम होती है और वो अपने लिए अलग से पूरे मसाले हटा कर अलग से सब्जी बनाता हो, तो एक सिंपल सी ट्रिप मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना ब्लॉग बना रहा है तो मुझे जो भी पता है और जो मैंने आपको शायद पहले नहीं बता रखा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो ब्लॉग बना रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं करती क्या हूँ अपने लिए निकाल के, बाकी मैं कैसे मसाले ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये तो मैंने ना नमक और हल्दी वाला थोड़ा सा चिकन अपने लिए निकाल लिया ताकि मैं खाना खा सकूं, और ये बाकी है जिसमें अभी सिर्फ नमक और हल्दी है। तो मैं क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ, पानी में जो रेड चिली पाउडर और जो चिकन मसाला होता है ना वो डाल देती हूँ और उसको मिक्स कर लेती हूँ पानी के अंदर, और फिर ये जो पानी होता है ना ये मैं इसमें ऐसे पलट देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि उस सब्ज़ी में जो मसाले होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उसका अलग से कोई टेस्ट नहीं आता, वो कच्चे नहीं लगते। अभी मैं इसमें ग्रेवी में देखो कटोरी में लगा हुआ है और अभी इसमें भी ऐड करके इसको पूरा अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए हम कर देंगे कुकर को बंद, इससे बाकी पूरे चिकन के अंदर वो चिकन मसाला और जो रेड चिली पाउडर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसे 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। कुकर तो हमने बंद कर दिया और अब जो चावल भीगे पड़े हैं इनको बना लेते हैं, थोड़े से बने थे मैंने आते ही बनाए थे, आरफ को भूख लगी थी बट ये सबको पूरे नहीं पड़ेंगे तो इसलिए थोड़े और भिगा दिए थे, तो अभी ये बना लेते हैं।